आज तो बड़े फरमाबरदार बन रहे हो। इसलिए कि आज हमारा नंबर है तो कल तुम्हारी, मतलब ये कि कल शाम को शीरी से क्लिफ्टन पर मेरी अपॉइंटमेंट, तुम्हें वहाँ आना होगा। मैं वहाँ क्या करूँगा? फरमाबरदारी, बसूरत, निगरानी, यानी मैं तुम्हारा पहरा दूँ। यार चंद दिन की तो छुट्टी पर आओ, तुमने आते ही सवाल शुरू कर दी। क्या करें, मजबूरी है। अभी से तो मिलता जा? नहीं यार, आज शाम से काम चला लो फिर मुलाकात हो। तो आज का क्या प्रोग्राम? वही जो कल होगा। अम्मी तारिक बेटे, ये अचानक कैसे चले आए? इतला भी नहीं की? बस अम्मी, फौजियों का प्रोग्राम बनते देर नहीं लगती। आपसे मिलने को दिल चाह, छुट्टी लियो। चला, अच्छा किया बेटे, मुझे तुम पर फख्र। चलो आओ, अब तो मेरी एक ही आरज़ू बाकी है बेटे, कि जल्द से तुम्हारी शादी हो जाए। आप मेरी शादी की फिक्र न कीजिए अम्मी, जब मुझे कोई लड़की पसंद आएगी आपको बता दूंगा। तारिक, तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से नहीं, मेरी पसंद से होगी। तुम मेरी तबीयत से अच्छी तरह से वाकिफ हो। आप तो खामखा नाराज हो गए अम्मी, मैं तो यही मजाक कर रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ, खालिद मेरा इंतजार कर रहा होगा। जल्दी आ जाना। कह दो मुझसे तुम में पार, कह दो ना। कह दो मुझसे तुम एक बार, क्या मोहब्बत मोहब्बत हो गई। हम न करेंगे ये फरार, क्या मोहब्बत मोहब्बत हो गई। कह दो मुझसे तुम एक बार, क्या मोहब्बत हो गई। आखिर कब तक करते रहोगे साची उल्टी बात, ओहो साची उल्टी बात। दिन को अगर हम दिन भी कहें तो कह दोगे तुम रात। हद भी होती है सरकार, क्या कयामत कयामत हो गई। मोहब्बत मोहब्बत हो गई। आपकी चाहत किसी पर शायर की चाहत है, आपकी चाहत किसी पुराने शायर की चाहत है। दिल में दर्द चले मुसीबत हो गई। कह दो मुझसे तुम एक बार, क्या मोहब्बत हो गई। जब देखो ये कड़वी बातें, हमको ये मंजूर नहीं, ओ हमको ये मंजूर नहीं। मीठी बात जुबान से कह दे, हुस्न का ये दस्तूर नहीं। आंखों से जाहिर है प्यार, क्या मोहब्बत मोहब्बत हो गई। भला ये कहाँ की शराफत है, हम आपके लिए छुट्टी लेकर आए और आप पहाड़ पर जा रहे हैं। डॉक्टर ने डैडी को पहाड़ पर जाने का मशवरा दिया है। और तो डैडी को जाने दो, वो अकेले कैसे जाएंगे? तो डॉक्टर को भी उनके साथ जाने दो, अगर खुदा के लिए अपने फैसले पर नजर सानी करो, वरना तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर के पहाड़ पर जाना है। तुम मेरी खातिर पहाड़ पर नहीं जा सकते? और तुम्हारे लिए तो मैं पहाड़ खोद सकता हूँ, खून की नदियाँ बहा सकता हूँ, आसमान से सितारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में डाल सकता हूँ, मगर तुम्हारे डैडी की मौजूदगी में पहाड़ पर नहीं जा सकता। खालिद प्लीज टू द पॉइंट बात करो, डैडी आते ही होंगे। आते हैं तो आ जाए, एक नहीं हजार डैडी आ जाए, मैं डरता हूँ तुम्हारे डैडी से। ये चलने वाला मेरे से कुछ ज्यादा पैसे लेकर, खैर कोई बात नहीं। ए श्री बेटे, अपन किधर चले गए? श्री बेटे ए, सेठ 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 आगे न जाना, इस बात का खतरा
बहुत बड़ा खतरा, मोहब्बत का खतरा, जान का खतरा, ईमान का खतरा, जूते का खतरा, डंडे का खतरा। ये पटोपट तुम क्या बोल गया अपन, मेरे मगज में तुम्हारा बात समझ में आज नहीं। माँ कसम मेरे को जाने को दे। अरे ठहरू से, आगे गोली चल रही है, टांग मारी हो रही है। ये मेरे को तो तू एकदम पागल आदमी मालूम होता है, जाने दे मेरे को माँ कसम। ठहरू से, पर उसको बोला मैं तुमको रोका था। पागल एकदम पागल आदमी, तेरे को इधर श्री के पास देखा, तेरे को इसी समुद्र में डूबा देगा। ओहो, मैं कहा उसे मिलता हूँ, खुद मुझसे मिलने आती है। उसको मिलने दो, उसका फिक्र का कोई बात नहीं, मगर तू उससे नहीं मिल सकता। देखना मेरे को तेरे यह मुलाकात बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ईमानदार आदमी है, साफ साफ बात करता है, सच्ची बात मांगता है। बोल सच्ची बात मांगते तो हमारी शादी बराबर कर दो ना। भाई क्या बोला, क्या ये आईने में तू अपना सूरज देखा है, एकदम हिप्पी का माफ तेरे साथ शादी करेगा। मुझे अरे ये पागल यार, पार्टनर कोई तरकीब से का वादा कराया, अगर मेरा वादा पूरा ना हुआ तो मोहब्बत की रुसवाई होगी, और मोहब्बत की रुसवाई होगी तो क्या होगा, तो मैं अपनी नजरों से खुद गिर जाऊंगा। तुम जानते हो आदमी पहाड़ से गिरकर बच सकता है, अपनी नजरों से गिरकर कभी नहीं बच सकता। यार तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। या तो मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? बात यह खालिद, मुझे जाने में जाती तौर पर कोई एतराज नहीं, मगर अम्मी की तबीयत तो जानता है, बहुत जिद्दी है। अभी तो मैं आया हूँ, वो इजाजत नहीं देंगे। तुम अम्मी की फिक्र छोड़ो, उन्हें मैं समझा। क्या साजिश हो रही है अम्मी? ये खालिद आपसे कुछ बात करना चाहता है। खाला जान जी, क्या बात है, आज बड़ी चुप चुप हो। क्या अर्ज करूं खाला जान, काश इस भरी दुनिया में कोई हमारा भी होता तो मुझे ये दिन देखना नसीब ना होता। क्यों, खैर तो है? ये वो खाला जान, बात यह है कि मेरी खाला के भाई की बेटी की भतीजी है, उससे मेरी शादी होने वाली है, तो लड़की के बाप ने मुझे देखने के लिए पहाड़ पर बुलवाया है। तो आप जानती हैं ये तारिक मेरा कितना अजीज दोस्त है, मैं इसे मॉरल सपोर्ट के लिए ले जाना चाहता हूँ। इसने टका सा जवाब दे दिया। हम ये झूठ बोल रहा है ना, मैंने इसे जवाब दिया ना टका दिया। असल बात ये थी कि मैंने इससे कहा था कि हामी ये तो है, पर गए और आए, बस देखो में देरी कितनी लगेगी, अच्छी शक्ल का वो पसंद कर लेंगे। माफ कीजिएगा बड़े साहब, ये सीट हमारे लिए रिजर्व है। पर गुरदार, दिन में यहाँ कोई सीट रिजर्व नहीं होती, बैठना है तो यहाँ बैठ लो। हाँ, और अगर लेटना हो तो? मैं इस बिस्तर को उठाकर अपना बिस्तर लगाए देते हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं आप, वो नाराज होगी, वो बहुत नाराज होगी। वो कौन? वो जी यार, तुम बैठो, जो होगा देखा जाएगा। आप लोगों ने बड़ी जाती की है, वो बहुत नाराज होगी मुझ पर भी और आप पर भी। बड़े मियाँ की बेटी होगी? नहीं यार, बेटी होती तो नाम लेते, बीवी होगी। पुराने जमाने के लोग अपनी बीवियों को वो कहकर पुकारते थे। माशाल्लाह, बड़ी मियाँ ने अच्छा हाथ मारा। आप लोगों को यहाँ बैठने की इजाजत किसने दी? रेलवे वालों ने, ये दोनों सीटें हमारे लिए रिजर्व है, या कार्ड निकल। मगर ये इंतहाई बदखलाकी, ये मेरी सीट है, आपको कम से कम मुझसे पूछने दे। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, दिन का वक्त है, आप दोनों मियाँ बीवी एक सीट पर बैठ जाइए। जी मियाँ बीवी, आपका दिमाग खराब तो नहीं है? तो क्या आप इनकी बीवी नहीं है? इन्होंने तो हमसे यही कहा था। क्यों बड़े मियाँ, क्या कहा था आपने? वो मेरा मतलब है वो। क्यों बड़े मियाँ, आप क्यों सटपट आ गए? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी तारीफ कर रहे अपनी बेगम की, है भाई? तौबा तौबा, देखिए क्या जमाना आ गया। आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी की बराबर। ये कैसा मजाक है साहब, मैंने तो आपके बारे में कुछ भी। तो क्या हम झूठ बोल रहे? तो क्या आप हमें झूठा समझते हैं? बेशक आप झूठ बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, घाट घाट का पानी पिया है आपने, पैतरा बदलना तो कोई आपसे सीखे। मियाँ इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डाले। कैसा जमाना आ गया है भाई, अभी कुछ देर पहले तो अपनी बीवी कह रहे थे, अब पहचानने से भी इनकार कर दिया। वैसे लड़की बुरी नहीं है, अच्छा वो इसकी बीवी नहीं है। मैं यहाँ एक पल नहीं रोक सकता, गाड़ी रोको। गाड़ी किसने रुकवाई?
मैंने खुदा के लिए टिकट चेकर साहब मुझे थर्ड क्लास के डिब्बे में बिठा दीजिए, यहाँ मैं एक पल नहीं बैठ सकता। मेरी तरफ से आप कहीं बैठे नहीं, रंजीर खेचने का जुर्माना 50 रुपए इनायत कर दीजिए। मगर रंजीर मैंने नहीं खेची है, गाड़ी जरूर रुक पाई है। जल्दी कीजिए, गाड़ी पहले ही लेट। हाँ आप 50 रुपए ले लीजिए, मगर मुझे किसी दूसरे डिब्बे में बिठा दीजिए। Brushing your teeth? Yes, Mama. With natural toothpaste? Yes, Mama. Open your mouth. Natural toothpaste ka pyara sa tohfa. Natural Talc Mini Purse Pack. Natural toothpaste deluxe pack ke saath. Natural Talc Mini Purse Pack bilkul muft. Will's ka miyari lips. Will's Gold Flake. एक मुकम्मल सुरूर, एक मुनफरिद जायका, विल्स गोल्ड फ्लेक, आपका पसंदीदा कल भी और आज भी। विल्स गोल्ड फ्लेक, एक अजीम नाम। तेल कोलेस्ट्रॉल से पाक, नस्ल दर नस्ल डालडा पकाने का खालिस तेल। तीन और चार कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट शमाइल स्क्वायर, पुराना हाजी कैंप, मुतसिल टिम्बर मार्केट, बुकिंग 10,000 रुपए से, मानक साथ 1,000 रुपए। शमाइल बिल्डर्स, फोन 7733961। ये अखबार पद्म बुलंद मकदार में ज्यादा, कीमत थोड़ी सी ज्यादा और क्वालिटी आपकी तवक्को से कहीं ज्यादा। मार्केट में सबसे अव्वल टपाल पॉपुलर, सच को सवाल नहीं, हर पॉपुलर टपाल नहीं। टपाल 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 टपाल। क्या हुआ, रुक क्यों है यार? गाड़ी चलाने को जी नहीं चाहता। क्यों? तुमने कभी मोहब्बत की हो तो तुम्हें मालूम, तुम गाड़ी चलाने कहते हो मेरा जी चाहता है मैं इस दुनिया से ही चला जाऊं। मजनू बनने की कोशिश ना करो, सिपाही एक महाज पर शिकस्त खाने के बाद दूसरे महाज पर और बहादुरी से लड़ता है। बोले आशिक, नए हमले की तैयारी करो, चलो चलो भाई। क्या भी दुश्मन नजर आ गया? हाँ, जान का नहीं ईमान का। तू आगे जाकर ठहर, मैं भी आता हूँ। मगर कहाँ? दुश्मन पर हमला करने। अभी आप कुछ देर तस्वीर बनाएंगे ना? क्यों? खबर जी, यहाँ करीब ही मेरा बाप, मेरे मतलब कि मेरी छमिया का बाप रहता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसका हुक्का ताजा करूँ ताकि वो मेरा हुक्का पानी ना बंद कर। जाओ मगर जल्दी आना। जी फिक्र ही ना कर, बस हुक्का ही तो ताजा करना। हाँ माशाल्लाह, क्या खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन दरख्त कुछ लंबे हो गए और पहाड़ छोटे हो गए, दरिया ऊंचा हो गया और आसमान नीचा हो गया, वैसे तस्वीर अच्छी है। आपसे मशवरा किसने लिया? मैं कौन के खामा हूँ? यही तो हमारी खूबी है कि मुफ्त मशवरा देते हैं, क्योंकि खुद मुसव्विर हैं। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जल्दी ख्याल आ गया। कोई हर्ज नहीं, देर आए दुरुस्त आए, शुक्र है आप मिल गए। आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत? जी हाँ, जरूरत ही तो थी, लेकिन आपसे वो ट्रेन वाली हरकत की माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? हाँ, वो तो आप रेलवे वालों से मांगे। जी हाँ, उनसे ही मांग लूंगा, लेकिन पहले आप तो माफ कर दीजिए।
प्लीज। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए। शुक्र है, मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ। अब आप मेहरबानी करके मेरे दिमाग का भी बोझ हटा दीजिए। जी, क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त मैं काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रही। जी हाँ। तो फिर आप बड़े शौक से अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम करता हूँ। मिस्टर, ये क्या हो रहा है? प्लीज आप अपना काम करती रहिए, मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए, मैं भी मुसव्विरे के मूड में हूँ। लेकिन कोई अच्छा सा किसी का साथ मिल जाए मेरी तकदीर बन जाए, किसी का साथ मिल जाए मेरी तकदीर बन जाए, मैं बन जाऊं मुसव्विर वो मेरी तस्वीर बन जाए, किसी का साथ मिल जाए। नजारों की जमानी ये उमंगों का जमा मौसम, ये कलियों के हसी चेहरे ये भौरों की हसी सरगम, किसी के दिल पे मेरे नाम की तहरीर बन जाए, तहरीर बन जाए, किसी का साथ मिल जाए मेरी तकदीर बन जाए, किसी का साथ मिल जाए। कोई दमसाज बन जाए कोई अपना मुझे जाने, किसी के दिल की धड़कन मेरे दिल का दर्द पहचाने, किसी की जुल्फ मेरे प्यार की जंजीर बन जाए, किसी का साथ मिल जाए मेरी तकदीर बन जाए, किसी का साथ मिल जाए। जलाते खाक कर देगी मेरे दिल को ये तन्हाई, मचल उठे तो फिर काबू में कब आता है सौदाई, मैं रांझा बन गया हूँ कोई मेरी हीर बन जाए, हीर बन जाए, किसी का साथ मिल जाए मेरी तकदीर बन जाए, मैं बन जाऊं मुसव्विर वो मेरी तस्वीर बन जाए, तस्वीर बन जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शोर मचाते हैं आप। पसंद आया आपको? एक और सुनो। बस एक ही बेसुरा गाना काफी, अब आपका काम खत्म हो गया, आप यहाँ से जाते हैं या मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, आप क्यों जाती हैं? जब मेरे दीपक राग का आप पर असर ही नहीं हुआ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन जाते हुए एक फनकार का छोटा सा शाका कबूल फरमाइए। लीजिए लीजिए। डॉक्टर साहब, वो कहाँ रहते हैं डॉक्टर? वो रहते हैं डाखाने के सामने। और डाखाना कहाँ है? डॉक्टर साहब के सामने। और दोनों कहाँ हैं? आमने आपकी शक्ल से ज्यादा चमकदार नजर आती है। बीवी जी, आप तो चलती फिरती वापदा हाउस है, जिस जगह पे कदम रखती है रोशनी रोशनी हो जाती है, ये अलग बात है कि मेरा बल्ब फ्यूज। दवा खाने जाना, डैडी से कहना डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है। अच्छा, सुनिए, माली से कहना कि शाम को आए और धोबी से कहना सुबह के कपड़े ले। अच्छा, डाइनिंग टेबल पे जाऊं दवा खाने से कहूं कि डैडी पे खाना लगा दिया है। उफ, डैडी से कहना है डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। अच्छा जी, धोबी से माली सुबह को शाम को, धोबी सुबह को माली शाम को। अच्छा अच्छा, शाम को माली और धोबी को सुबह।
समझ गया दीदी जी। मैं अगर आप वापस आए तो ये पानी तुम्हारे ऊपर फेंकू। काश इस वक्त कैमरा होता तो आप कैसी तस्वीर खींचता जिसे देखकर आप खुद अपने आप से प्यार करने लगते। आप वो अच्छा आप ये बाल्टी तो रख लीजिए, पानी की चोट बाल्टी काफी भारी है। माफ कीजिएगा, मैं समझी मेरा नौकर है। नौकर? मेरा मतलब है दरअसल मुझे अपने नौकर पे गुस्सा आ गया था और पानी मुझ पर आ गया, वो भी इस सर्दी में। आप अंदर आ जाइए ना। शुक्रिया। आपकी कमीज तो बिल्कुल गीली हो गई, लाइए मैं फिर से सुखा लाती हूँ। जी दीदी ये ना बीमार हो जाएंगे। नहीं नहीं मगर दैट्स बेटर। ये क्या हो रहा? मुझे कसरत पीछे पीछे सर्दी ज्यादा है। लेकिन आप है कौन और ये हुलिया? ये साहब कौन है? देखिए ये आपसे मिलने आए थे, मैं शकूर समझ के गलती से पानी फेंक। अच्छा अच्छा फरमाइए कैसे आना हुआ? मुझे मेरा दोस्त बहुत सब बीमार है, आपको लेने आया था। अच्छा क्या बीमारी है आपके दोस्त को? बीमारी बीमारी तो मुझे नहीं पता लेकिन बहुत बुरी तरह तड़प रहा है, अगर आपने उसे देखने में देर कर दी तो बेचारा मेरा दोस्त। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। डैडी खाना? मैं आकर खा लूँ। स्त्री का शुक्रिया। अब क्या होगा शीरी? क्या हमारी मोहब्बत का ताजमहल बनने से पहले ही टूट जाएगा? यही तो मैं सोच रही हूँ खालिद। मेरे डैडी बहुत जिद्दी किस्म के आदमी है, जब तक तुम किसी ग्रुप को साथ न लाए तो हमारी मुलाकात भी मुश्किल है। देखो शीरी तुम्हारे डैडी ने काम ही इतना मुश्किल बता दिया है कि असल फरहाद भी होता तो कान पकड़ लेता। देखो ना अगर वो मुझसे नहर खोदने के लिए कहते तो मैं दो चार मजदूर इकट्ठे करके ठेके पर नहर खुदवा देता, मगर अब ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर कहां से? अरे क्या बकरा है? अरे तू कुछ नहीं बकरा, तू जल्दी से लेट जा। अगर क्यों? इसलिए तू बहुत सख्त बीमार है। वो तारीख? अरे यार एक दोस्त के लिए इतनी से कुर्बानी नहीं दे सकता। देख मैंने कुछ है इंसान बनकर दोस्ती की है, बकरा बनकर नहीं। अरे यार क्या बकरा खा तू जानते हो? देखिए जी आप बहुत सख्त उदास है, है? इसलिए कि आपकी उनकी तबीयत जान के लाले पड़े हैं। प्लीज आप अंदर अंदर आइए। डॉक्टर साहब खालिद ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, दौरा उसे पड़ा है, लिटा मुझे यहाँ गया कब कोविड बात। आई डॉक्टर साहब आई। गुदगुदाइए बना, क्या तकलीफ है आपको? आई डॉक्टर साहब एक तकलीफ मुझे बताए, सुबह से इसका दिल बैठा जा रहा, ब्लड प्रेशर कभी खड़ा होता है कभी बैठ जाता है। यह कब था? अभी एक मिनट पहले। तलाक बीमारी, इंजेक्शन देना पड़ेगा। क्या इंजेक्शन? इंजेक्शन के अलावा और क्या कोई इलाज नहीं? ये नहीं आपका इलाज सिर्फ इंजेक्शन। भाई डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं। ठीक कहते हैं डॉक्टर यार ये तुरंत को छोटी करवा दे। आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहा था, इसको भी बता के आप MBBS है। कमाल तो ठीक है। कमाल हेलो पार्टनर, क्या हाल है? यहाँ क्या करो? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार क्यों? यार मैं बड़ी संजीदगी से एक मसले पर सोच रहा हूँ। मैं नहीं जानता क्यों हुई कैसे हुई, मगर यह हकीकत है कि मुझे सभा से मोहब्बत हो गई है। यूं लगता है कि उसके ख्यालों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। हा हा हा। तो फिर सोच क्या रहे हो यार? फेंक दो मजाक, छोड़ो यार, कोई हल तलाश करो। मैं अम्मी जान की जिद्दी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसके बावजूद मैं सभा को हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ।
हमेशा के लिए अपनाना चाहते हो। अब आपको बुखार तो नहीं? जी नहीं, आधा बुखार तो आपके डैडी के इंजेक्शन ने उतार दिया, बाकी रहा सहा आपकी गर्मा गर्म चाय। वैसे खारी साहब, आप सूरज से बिल्कुल बीमार नहीं लगते। मेरे बारे में अक्सर लड़कियों को यही गलतफहमी रहती है। भाई तबे आपको मेरा नाम किसने बता दिया? आपके दोस्त ने। नहीं, अपना नाम बताने के बजाय मेरा नाम बता दिया, बड़ा कदा है। आपका बड़ा भाई हाजिर। आइए आइए, सब मैं तलाश करके आ रहे हूँ और आप यहाँ बैठे। चलो उठो, राइडिंग के लिए जाना है। ऐसी क्या जल्दी है, बैठिए, एक कप चाय पी लीजिए। हाँ, एक कप चाय, अब तो ये 10 कप चाय पीकर भी नहीं खिसकेंगे। पीलो मियां, ऐसी उमदा चाय तुमने सारी जिंदगी नहीं पियो। आप बिला वजह तकल्लुफ कर रही हैं, चाय तो मैं भी पीकर आया हूँ। तैयार है, मैं लाई। क्यों जी, आप यहाँ सुबह सुबह किस खुशी में आए? भाई रात तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर था कि तुम्हारे दिल की हालत नाजुक, इसलिए मैं लड़की देखने चला। अच्छा अच्छा, तो आप बुजुर्ग बनकर आए थे, कहिए पसंद आई लड़की? भाभी बनाने के लायक। भाभी? अभी किसकी भाभी? मेरी यार और किसकी, शादी कर डालो मेरी मानो तो, ऐसी लड़की किस्मत से ही मिलती है। हम लोग मौसम के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे हैं। यार बहुत खुशगवार हो गया। चीनी? एक कप चाय मेरे लिए भी बनाई दीजिए, एक कप और। चाय ले लो भाई, बन चुकी है। शुक्रिया। शुक्रिया। आप चाय नहीं पिए? जी नहीं, मेरा फिक्स कोटा है, एक कप सुबह एक कप शाम, ज्यादा चाय नुकसान देती है। और सुन लिया, एक आप है कि 50-60 कप रोजाना पी जाते हैं। 50-60 कप चाय? जी हाँ, और 250 सिगरेट डेली। 250 सिगरेट, ये तो बहुत नुकसान दे। जी हाँ, और कभी कभार तो 300 तक पी जाता। ऐसी नहीं बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है, आज तुम मुझे सच बोल नहीं रोक सकते। साहब अगर कुछ कहो तो फरमाते हैं कि मेरा इस दुनिया में है कौन, मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं। आपके इस दुनिया में कोई नहीं? अच्छा, वो क्या कोई हो भी, जिसके ये बनाने जो इस बेवकूफ की जिंदगी सवारे, बस नीले आसमान के नीचे बिल्कुल तनहा है। अच्छा बकवास भी करते रहोगे, चलना नहीं, चलो उठो, आपकी जगह से ज्यादा बोलने की आदत है। कुछ बोलिए। आप बोलिए। मैं तो बोल रहा हूँ। मैं तो बोल भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। अच्छा तो फिर बताइए, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये बलखाती हुई नदियाँ, ये दिलकश माहौल क्या कह रहा है? मैं क्या जाने? तेरा संभल के। आप नजदीक हो तो संभलना मुश्किल है। आप आइए, डैडी से मिलने आए हैं। जी नहीं, अपने मसीहा को अपना दर्द बताने, अपना जख्म दिखाने आए। जी जख्म? इस जरा सी चोट को आप क्यों कहते हैं? मैंने तो सुना था फौजी बहुत बहादुर होते हैं। तो फिर आपने ये भी तो सुना होगा कि कभी कभी एक छोटी सी चोट बहुत बड़ा जख्म बन जाती है, और एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी भर का साथ। आप बैठिए, मैं दवा लाती हूं। रात मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? मैंने देखा कि मैं मैदान जंग में हूँ, हर तरफ आग बरस रही है, दुश्मन के गोले हमारे करीब आकर फट रहे हैं, मैं हाथ में ब्रेन गन लिए अपनी कंपनी को लेकर आगे बढ़ता हूँ, दुश्मन के बंकर पर कब्जा कर लेता हूँ। अचानक अचानक दुश्मन का एक गोला मेरे करीब आकर फटता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि आप पट्टी गलत जगह पर बांध रही हैं। जी नहीं, ये दाढ़ी नजर नहीं आ रही। दाढ़ी क्यों लगाई? अपना बुजुर्ग बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम तो जानते हो अपना तो दुनिया में कोई है नहीं, और वो ससुर साहब ने शादी के लिए शक लगा, बड़ी अपना बुजुर्ग लेकर आओ नहीं।
यहाँ अपना काम तो बगैर बुजुर्ग की हो गया। इमाम है। कम से कम आज की मुलाकात से तो ये पता लगता। ओह गुड। निकाला दान। वो किस खुशी में? देखो भाई, मैंने आज तक अपनी खिदमत के सिले में तुमसे कुछ नहीं दिया। ये 1000 रुपया उस मोटे शर्मन टैंक की मरम्मत पर लगाऊंगा जो तुम्हारी महबूबा का मुलाजिम। फिक्र न करो, 1000 रुपया बड़ा काम आएगा। कमान। मगर यार ये तो रिश्वत हो जाएगी। चलो उसकी मदद की देते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें से तुम अपनी कमीशन ना रख लेना। यार तू है घर का रईस। यार घर बताने शादी और तुम्हारी जाओ जाओ फालतू बातें मत कर। तो क्या मेरी शादी फालतू बंद हो गई? ये देखिए शादी का लाइसेंस मतलब 1000 रुपए। 1000 रुपए किस लिए? तुम ये रकम तो तारक साहब भी दे सकते हैं। हाँ जी, और अब ये रकूमात मैं छमिया के बाप उर्फ मूंगफली को जाकर दूंगा, वो मेरे हाथ पीले कर देगा। उर्फ अल्लाह कितनी शर्मिंदगी हो रही है। आप मेरी शादी में आएंगे ना? सोचेंगे। अगर आप सोचेंगे तो याद रखिए मैं सेड़ा नहीं बांधूंगा और फिर मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा। ये शादी नहीं होगी। आज तुम्हें फिर पागलपन का दौरा। क्या सोच रही है सर? जी कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। कितना खूबसूरत मंजर है। मैं तस्वीर में तुम्हें और अपने आप को दूल्हा दुल्हन बने देख रहा हूं। बड़ी बेसब्री हूं। इजाजत ले रहे। अच्छा दूल्हा मियां इजाजत। साहब जी मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप लोगों ने मेरी खुशी में 4 चांद लगा दिए। शकूरे मियां 4 चांद नहीं 8 चांद। 4 चांद इन्होंने और 4 चांद मैंने। जी नहीं, 6 इन्होंने 2 आपने। तुम दोनों में कहां कहां करोगे। बहरहाल तुम्हें शादी मुबारक हो। अल्लाह ने जिस तरह तुम्हारे दिन फेरे ऐसे अल्लाह तुम्हारे दिन भी फेर दे। आमीन सुम्मा आमीन। साहब जी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। सच पूछो तो हम तुम्हारी शादी से बहुत मुतासिर हुए और हम दोनों ने फैसला कर लिया है कि कर लिया। अच्छा शुक्रिया नहीं, आप तुम जाओ। इधर तुम्हारी दुल्हन इंतजार कर रही है और इधर हमारी। और मेरी तरफ से अपनी दुल्हन को ये मुंह दिखाई दे देना। साथी मेरे पास छुट्टा नहीं है। अरे यार आज छुट्टी खुशी का दिन है, सब रख लो। अच्छा शब बखैर। शब बखैर। इस शर्म इस हिजाब के कुर्बान जाइए। क्या हो गया है आपको? प्यार। मैं जा रही हूँ। घर से हैरान थी कि आपको शकूरी की शादी की इतनी फिक्र क्यों होगी। हमें मौका हाथ से नहीं गवाना चाहिए सबा। तुम तो जानती हो भौजी की जिंदगी कोई इतबार नहीं। तुम्हारे अब्बा से तो खैर मैं बात कर लूंगा, लेकिन असल प्रॉब्लम मेरी अम्मी की है। आपकी अम्मी? वो बड़ी जालिम और डिक्टेटर किस्म की माँ है, और फिर उन्होंने मेरे लिए एक और लड़की पसंद कर रखी। तो फिर तुम्हें मेरी मोहब्बत तो भरोसा नहीं सबा। वो मेरी अम्मी है, मैं उन्हें मनाने का तरीका भी जानता हूँ। वो क्या? पहले मैं तुमसे शादी कर लूंगा और जब वो अपनी प्यारी प्यारी से दुल्हन को देखेंगी तो खुद ब खुद मान जाएंगी। पहले आप उन्हें मना लीजिए। सबा सिपाही की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पाने की हसरत। खुदा ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। हेलो तारिक। खैर तो है? अम्मी का खत है, तुम खुद ही पढ़ लो। क्या लिखे? इसका मतलब है तुम गए और शादी के चक्कर में फंसे। सूरत हाल काफी नाजुक, तुमने क्या सोचा? मैंने फैसला कर लिया है खालिद, मैं यहां से अकेला नहीं जाऊंगा। सबा को अपने साथ दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं जानता हूं अम्मी इस फैसले से खुश नहीं होंगी, मगर मैं बाद में उन्हें मना लूंगा। तू जाकर सबा के वाले से बात कर, ये शादी आज ही होनी चाहिए।
आजी। हाँ खालिद आजी, मैं अम्मी जान की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, न जाने वो यहाँ कब आ जाए। मैं शादी करके कल ही यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। अगर तू अल्लाह का नाम लेकर जा तो सही, सब ठीक हो जाएगा। जब सबा रजामंद है तो डॉक्टर साहब को क्यों इनकार होगा? आपने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है खालिद भाई। समझ में नहीं आता क्या जवाब दूं। मुझे इनकार तो नहीं, मगर ये कैसे हो सकता है? बात मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं सबा बहन। मेरी मानिए, आप तारिक से शादी कर लीजिए। मैं उसे एक अरसे से जानता हूँ, यकीन मानिए वो बहुत अच्छा शौहर था भी। सवाल ये नहीं है, मसला तो ये है कि अब्बा जान चंद दिनों के लिए इस्लामाबाद गए हैं और उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी थी जी। मगर जब उन्हें शादी पर कोई एतराज ही नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों? वो तो सब ठीक है मगर अब्बा जान होते तो। देखिए सवा बहन, आप लोग कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब का इस शादी में शरीक होना बहुत जरूरी था, लेकिन अगर बात ना सही तो क्या हुआ? ये आपका भाई जो मौजूद, खुदा के लिए हाँ कह दीजिए सबा बहन। तारिक बहुत परेशान है, वो हर कीमत पर आपको अपनाने का इरादा कर चुका है। सबा बहन, आप अब्बा जान की फिक्र ना कीजिए, उन्हें मैं समझा लूंगा। मसला सिर्फ ये है कि ये शादी आज जरूर होनी चाहिए। अगर ये शादी आज ना हुई तो शायद फिर कभी ना हो सकेगी। मुबारक हो यार। थैंक यू काजी साहब, मेरे सर पर भी हाथ फेर दीजिए ताकि तारीख की तरह मेरी मंजिल भी आसान हो जाए। मुझे शादी का बड़ा शौक है। अल्लाह मालिक। जी हाँ, दूसरों का फर्ज पूरा नहीं होने देते और अपना बहुत शौक है। आइए काजी साहब, मैं आपको छोड़ा हूँ वरना इनकी नीयत भी खराब हो जाएगी। चलिए खालिद, जरा शकूरे को समझा दे कभी अपना कोविड तंबाकू करा है। कोविड तंबाकू? शकूरे, इस शादी की अभी किसी को खबर ना होने पाए। आप फिक्र ना करें जी, तारक साहब को भी खबर नहीं होगी। वैसे एक्सक्यूज मी, यस, निकाह पढ़ाने के आपने 100 रुपए दिए हैं और निकाह छुपाने के कुछ नहीं? ओह माफ करना यार, ये ले चवन्नी, मेरी तरफ से अपनी बीवी को मुंह दिखाई देता। बहुत ही कंजूस शहबाले हैं, बकवास नहीं चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप भी, बाहर तशरीफ ले जाइए। यार धक्के क्यों देते? और अगर लड़की हुई तो गाले पर। वैसे एक बात सुन लो, हम अपने बेटे को सिपाही जरूर बनाएंगे, मंजूर है ना? मंजूर। सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में डर कर कहो कि मैं अपने बेटे को फौज में नहीं भेजूंगी। जनाब, मेरा बेटा आपसे भी ज्यादा बहादुर होगा इंशाल्लाह। वादा? पक्का वादा। अच्छा एक बात बताओ, बेटे की मोहब्बत में कहीं हमें तो नहीं भुला दोगे? हो सकता है। तो ये रहा दें। Thank you.
रात दिन यूं ही पूजा करेंगे। अगर जिंदगी है तो मेरे हमदम, किया है जो वादा वो पूरा करेंगे। तेरा प्यार मेरी इबादत है साथी। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? मैरी योर फादर। अंदर है, लेकिन खुदा के लिए तुम चले जाओ वरना मैं। तुम फिक्र ना करो, आज हम भागने वाले नहीं हैं। अरे तू, तेरे को मेरे घर में अकेले आने का जुरत कैसे हुआ? माँ कसम सच्ची बोलता हूँ, मार मार के तेरा भुरकत निकाल देगा भूतबंदी की तरह। आज हम अकेले नहीं आए, बुजुर्ग साथ में। क्या बोला? बुजुर्ग? ये पन किधर है? उधर है, अभी लाता है। क्या ये सच्ची बोलता है? पन तेरे को कैसे मालूम? मैं वो लाया होगा। सब भूतबंदी लगता है मेरे को तो। आइए दादी अम्मा, आइए। बेटा, मुझ बुढ़िया को इस बुढ़ापे में क्यों पहाड़ों पे दौड़ा रहे हो? इन आंखों से कुछ सजाई भी नहीं देता, सांस भी उखड़ रही है। दादी अम्मा, आंखों से देखेंगी तो बहू रोशन हो जाएगी। मेरा मतलब है आंखें रोशन हो जाएंगी। ये तो मेरे को एकदम बुजुर्ग के माफिक लगता है। ए माँ कसम सच्ची बोलता हूँ, परंतु लाया किधर से? यही खानदान में बाकी बची थी, मेरी दादी है। अच्छा दादी अम्मा, ये सेठ कनस्तर वाला ऊंचा सुनती है। अब फिक्र की कोई बात नहीं, हम जरा लाउड बोल लेंगे। ए दादी अम्मा बैठनी, बैठ बैठ बैठ। हाँ बेटा, ये लड़का कौन है? मैं इसको लड़का नजर आता है, ये दिखाई भी कम देता है क्या? दादी अम्मा, ये लड़का नहीं है, लड़की के अब्बू है। मेरे लिए तो ये भी लड़का है। जीती रहो मीजान, जीती रहो। लड़की कहाँ है? शीरी बेटा, दादी अम्मा को सलाम कर, जरा फोर्स में बोलना, कम सुनाई देता है क्या? आदाब दादी अम्मा। दीदी रहो, दूधो नहाओ कूटो भला, बड़ी प्यारी शक्ल है। थैंक यू। माशाल्लाह, चश्मे बच्चू। अब तो बुजुर्ग साथ में, चाय मंगा लीजिए। ये तेरे को खूब याद है? हाँ, बहुत गुस्सा रहे हैं। श्री बेटा, दादी अम्मा के लिए तो चाय का बंदोबस्त कर। क्या क्या? ये माँ, मेरा मतलब है कि तेरे वास्ते चाय वाय का बंदोबस्त करेगा। नहीं, आई नॉट। क्या है भाई? तुम क्या जानो उर्दू जबान क्या होती है? आपको चाहिए कुमराजर होने का, तुम अभी बच्चा हो। मुझे ये चाय वाय बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वरंगियों के तरह का जरा पसंद नहीं। सुनो, एक गुड़ की डाली मंगाल के मुंह मीठा कर दो और बाद में पान खिला देना। अच्छा अच्छा, मुझे लड़की पसंद है। तुम जी, मुझे भी पसंद, जैसा आपका हुक्म दादी अम्मा। मेरा पोता हीरा है, हीरा। हाँ, मेरे को भी हीरे जैसा ही लगता है। क्या आजकल के जमाने में ऐसे शर्मीले और नेक लड़के कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलता माँ, नहीं मिलता। पर खुदलास, मेरी बात मानो, अब जल्दी से अपनी लड़की के हाथ पीले काटा लो। पीला क्या है भाई? तो शादी को कह रही है? अरे मेरे को कब इनकार है, मेरे को तो बुजुर्ग का इंतजार था। बुजुर्ग आ गया तो अब बिल्कुल 100% ही शादी करेगा। मान गए, थैंक यू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, माशाल्लाह बहुत नेक बच्चे हो। ए माँ, मेरे को भी तेरे से बहुत उम्मीद है। हाँ, सब पूरी होंगी, अल्लाह करने वाला है। भाभी ने अपना काम तो बना दिया, अब तुमने अपने बारे में क्या सोचा? मैं भी कल अम्मी जान को लेने जा रहा हूँ। यार, तुम्हारी अम्मी बड़ी जिद्दी है, मुझे तुमसे डर लगता है। मैं भी उन्हीं का बेटा। साहब आपका तार। किसका तार ले आए? क्या बात? यूनिट से तार आया, हमें फॉर्म रिपोर्ट करने को लिखा। शायद मामला कुछ ज्यादा सीरियस हो गया। शोक मना रही हो जैसे मुझे सजाए मौत सुना दी गई। अरे भाई, लड़ाई पर जा रहे हैं, तख्ते पर तो नहीं जा रहे। जंग तो मरने मारने का खेल, 1000-2000 को मारेंगे, और अगर मुनासिब समझा खुद भी मर जाएंगे। ऐसी बातें करते हुए शर्म तो नहीं आती? शर्म? ये तो लड़कियों का डिपार्टमेंट है, सिपाही का इससे क्या बात? लड़ाई के हंगामों में शायद मुझे तुम्हें याद करने का वक्त न मिले, मगर तुम्हारे पास तो और कोई काम नहीं है। वक्तन फवक्तन मुझे याद करते रहना, ठीक? तुम तो मेरी जिंदगी हो,
तुम्हें भूल जाना अपने बच्चे को। शीरी, तुम्हारी आंखें रोने के लिए नहीं, सिर्फ मुझे देखने के लिए। मेरे जाने के बाद ज्यादा रोने धोने में बस जाया ना करना। दिन में 15 मिनट से ज्यादा रोना सेहत के लिए मुजिर होता है। शाबाश। अच्छा शीरी, खुदा। हौसला रखो सबा, तुम एक सिपाही की बीवी हो। बुज़दिल दुश्मन ने ऐलान जंग किए बगैर हमारी सरहदों को बूर कर लिया है। वतन की पाक सरजमीन ने अपने महाफिजों को मदद के लिए पुकारा है। मैदान जंग पर जाते हुए मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। मुझे हंसते हुए रुखसत करो। तुम मेरी जिंदगी हो सबा, लेकिन याद रखो, जिंदगी इसलिए होती है कि उसे फर्ज पर कुर्बान कर दिया जाए। मुझे तुम्हारे फर्ज का एहसास है तारिक, और ये भी जानती हूँ कि सिपाही की बीवी का क्या फर्ज होता है। मैं तुम्हारे फर्ज की राह में हायल नहीं होना चाहती। मेरी दुआएं तुम्हारे और वतन के तमाम मुहाफिजों के साथ रहेंगी। खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, और तुम मैदानी जंग से सुरखुरू होकर वापस लौटो। सबा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सबा। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, मगर इत्मीनान रखो, ये जुदाई आरजी है। मैं बहुत जल्द वापस आकर तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। खालिद आ गया, मैं चलता हूँ सबा। भाभी आप रो रही हैं? आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, जब तक मेरे दम में दम है मैं आग पर आश नहीं आने दूंगा। हाँ, अलबत्ता दुश्मन की किसी गोली से अगर मेरा ही दम निकल गया तो उसके बाद की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। खुदा आप दोनों को अपनी हिफाजत में रखे। भाभी, हो सके तो एक इमाम जामिन बांध दीजिए और एक अदद अपनी तस्वीर भी दे दीजिए, ताकि मोहतरम तावीज बनाकर गले में लटका। खालिद भाई, आप तो वक्त बेवक्त हंसा देते। भाई, हंसने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, और इंसान को हर वक्त हंसते रहना चाहिए। अच्छा, अब अपना लेक्चर बंद करो। राइट सर, सीनियोरिटी का मामला। तुम जीप में बैठो, मैं भी आता हूँ। खुदा हाफिज़ भाभी। खुदा हाफिज़। अपना वादा याद रखना सबा, रोकर इन खूबसूरत आंखों को खराब न करना।
शोहर भी मैदान जंग पे शहीद हो गए और अब्बा जान भी इस दुनिया से चल बसे। बेसहारा होकर जब सास के कदमों में पनाह लेनी चाहिए तो उन्होंने भी बहू मानने से इनकार कर दिया और धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। हिम्मत से काम लो सबा बहन, ये ठीक है कि तकदीर ने तुम पर बहुत सितम किए हैं, लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का नया सूरज तुलू होने वाला है। तुम तारिक के बच्चे की माँ बनने वाली हो और अब अपने लिए ना सही, तुम्हें इस बच्चे के लिए जीना होगा। हालात का मुकाबला करो, इसी में तुम्हारी असमत है। इन तसल्लियों से वक्ती तौर पर दिल तो बहल जाएगा, मगर मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मैं बेसहारा हूँ। मैंने तुम्हें बहन कहा है सुबह, अपने आप को बेसहारा ना कहो, समझो आज से नई जिंदगी शुरू हो रही है। शीरिन बेहोश न होना, मैं हकीकत में जिंदा हूँ और सही सलामत तुम्हारे पास। अरे तुम वाकई जिंदा हो, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। अरे तुम, अरे जिंदा शहीद आदमी, तेरे को दुश्मन को गोली नहीं लगा और वो टेलीफोन? और तो देखिए डैडी, आज गुस्से का बात नहीं होगा, आज प्यार का बात होगा। आज हम आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त पेश करेगा, आप उस पर गौर करेगा और रहम करेगा। अरे बाबा तेरे में गुस्सा कौन करेगा, तू तो जिंदा शहीद आदमी है, गाजी आदमी एकदम ग्रेट। एक बात सुन, तुम मेरे को पहले क्यों नहीं बोला कि तुम फौज में बहुत बड़ा अफसर है, तीस फूल वाला? उससे क्या होता, अरे सब कुछ हो जाता, हम तुम्हारा शादी उसी वक्त कर देता। मां कसम, फिर अब देर किस बात की, तो शादी का तारीख पक्का कर देगा। हाँ गाजी, हाँ हाँ दादी अम्मा को ले आओ, पर वो जिंदा है ना? जी जी ठीक है, फिर अगर वो नहीं आ सकता तो पर मेरे को उसके पास ले चलो, हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये तुम्हारा दादी अम्मा एकदम ग्रेट औरत है, माँ कसम, जब कभी तुम्हारी दादी अम्मा को देखता हूँ ना, मेरे को अपना अम्मा याद आ जाता है। मारे बकवास, शीरी के अब्बा मत रो, अच्छे बच्चे नहीं रह सकते, सबर कर। तुम इधर बैठो, चाय मैं बना। मेरे को तुम क्या चाय का प्यारी समझाए क्या? सॉरी बट नो रिप्लाई प्लीज। कोई बात नहीं, मेरा टॉप फ्लोर का स्क्रू कुछ ढीला है। मगर ये तो बताओ, जंग के मैदान में तुम मर कैसे गया, फिर जिंदा कैसे हो गया, अखबार में क्यों नहीं आए? आया था जी, आपने पढ़ा नहीं? हाँ हम पढ़ा नहीं होगा। ए गिरी बेटे, तुम जरा अंदर जा, मारामारी का बात सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तबीयत भी खराब हो जाएगा, जा। अभी मेरे को बता इस जंग में, ए इधर मेरे तरफ से उधर क्या देखता है, जंग में मारामारी कैसे हुआ, तू जिंदा कैसे बच गया ये बता। कैसे जिंदा बच गया? हुआ यूं, एक दफा के बेटा मुबारक हो सबा। शुक्रिया, बहुत प्यारा बच्चा है। डॉक्टर साहब, बेगम अर्शद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर घबराइए नहीं अर्शद साहब, बस दुआ कीजिए। कैसी तबीयत है बेगम अर्शद? मेरा सांस रुक रहा है डॉक्टर, मेरा दिल घबरा रहा है। नर्स, आई एम सॉरी अर्शद साहब। डॉक्टर, तो क्या इस बार भी मरा हुआ बच्चा? ये कैसी सजा है डॉक्टर, ये कैसी सजा है डॉक्टर? इंसान खुदा की मर्जी के सामने कुछ नहीं कर सकता अर्शद साहब, मुझे अफसोस है। क्या शहनाज को इस बात का इल्म है डॉक्टर? नहीं, अभी हमने ये मनहूस खबर उन्हें नहीं सुनाई। जाओ, जाओ भी, मेरा बच्चा ना दो, जाओ डॉक्टर, आप
खुदा के लिए मेरी बीवी को बचा लीजिए डॉक्टर, वो पागल हो जाएगी डॉक्टर, मर जाएगी डॉक्टर, मर जाएगी। अभी उसे तल्ख हकीकत का इल्म नहीं होना चाहिए डॉक्टर, अभी अभी उसका सख्त ताजा। लेकिन मैं अपने दिल का टुकड़ा किसी को नहीं दे सकती, किसी को नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ सबा, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती, मगर ये एक औरत की जिंदगी का सवाल है। अगर वक्ती तौर पर उसे इस छुपी तसल्ली से बहला दिया जाए, उसकी जिंदगी बच सकती है। मैं डॉक्टर नहीं, बहन बनकर इल्तिजा करती हूँ, मगर अमीता बहन खुदा के लिए सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहन, ये बच्चा आप ही का कहलाएगा, आप ही के पास रहेगा। मैं तो सिर्फ शहनाज को ये दिलासा देना चाहता हूँ, इस बार वो एक जिंदा सलामत बच्चे की मां बन गई। आपकी मुश्किल आसान हो सकती है तो मेरा बच्चा हाजिर। नन्हे मियाँ के लिए आया रखी, बेचारी बहुत परेशान थी। आया, ये मेरी बेगम और तुम्हारी मालकिन शहनाज। आजा, आजा। आया ही रखी क्या भला नन्हे मियाँ को संभाली? वो डॉक्टर हमीदा ने सिफारिश की थी बेगम, मैं कर सकता। आराम से, घबराइए नहीं बेगम साहिबा, मैं इसे आपसे भी ज्यादा प्यार दूँ। फिक्र ना करो, बहुत अच्छी आए, घर का काम काज भी करेगी और मुन्ने की देखभाल। बहन मुझे माफ कर देना बहन, तुम्हें आया कहते हुए दुख मुझे भी हुआ था, मगर ये झूठ मुझे मसलियतन बोलना पड़ा। मैं तुम्हें दिल से अपनी बहन समझता हूँ, तुम्हारे जज्बात की कदर यकीन करो, तुमने जो एहसान मुझ पर किया उसे मैं तमाम उम्र नहीं भुला सकता। चलो अब यहां तो पहुंच डालो। आंसू तो अपनी बदनसीबी पर बहा रही हूं भाई साहब, वरना इस बच्चे के लिए आया तो क्या, इस घर की अदना मुलाजमा भी बनकर रहना पड़े तो मैं इनकार ना करूं। ऐसा ना कहो बहन, मैंने तो सिर्फ शहनाज का दिल रखने के लिए वक्ती ढोंग रचा है। तुम शहनाज के लिए इस बच्चे की आया हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए सगी बहनों से भी ज्यादा, इसलिए कि आजकल सभी बहनें भी वो ना कर सकें जो तुमने कर दिखाया। अच्छा भाई साहब, आपने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? नहीं तो? उन्होंने कहा था कि अगर बेटा हो तो उसका नाम गालिब रखना, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इसका नाम। सभा बहन, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस घर में तुम्हें हर बात का इख्तियार हासिल, बच्चा इस घर में तुम्हारी अमानत, इसकी परवरिश, इसकी तालीम और तरबियत बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह तुम चाहो। आज से हम इसे गालिब कहेंगे। उनकी ये भी तमन्ना थी कि उनका बेटा बड़ा होकर फौजी बने। मैं इसे फौजी सिपाही बनाना चाहती हूँ भाई साहब। जरूर, बहुत नेक जज्बा है, मेरी दुआ है खुदा तुम्हारी हर आरज़ू पूरी करे। इकतीस दिसंबर तक बामुनाफा बीमा पॉलिसी लेकर पूरे साल का बोनस हासिल कीजिए स्टेट लाइफ। रात की बात है लेकिन आपको बता रही हूँ। सितारे तू हमेशा।
कहाँ जा रहे हो बेटे? आया अपनी वर्दी दिखाने। इसकी जबान पर तो उठते बैठते आया ही का नाम रहता है। तो क्या हुआ? मुझे तो यूँ महसूस होने लगा है जैसे आया ही इसकी माँ हो। आखिर उसने गालिब को माँ बनकर ही तो पाला है। बहुत अजीम औरत है। आओ। कैसा लगता हूँ? माशाल्लाह, बहुत प्यारी। खुदा हर आफत से महफूज रखे। आया, स्कूल के बच्चे पूछते हैं तुम बड़े होकर क्या बनोगे? जब मैं कहता हूँ कि मैं फातिमा सिपाही बनूंगा, हंसते हैं। उनकी हंसी की परवाह ना करो बेटे, तुम्हें इंशाल्लाह फौज का सिपाही बनना है। उनकी भी यही ख्वाहिश थी। ये लंदन से आए हुए पूरा एक माह हो चुका है। आपकी शिकायत सर आंखों पर, मगर मैं अपनी मसरूफियात का क्या करूं? ये क्या मसरूफियत कि इंसान अपने ही को भूल जाए? मेरा मतलब है जवानी के दिन है, मुरादों के नहीं कुछ नहीं। मैं कल आऊंगा। खुदा हाफिज। किसका फोन था? मसूद का। आदमी ने अपनी बहन का ख्याल कैसे आ गया? लापरवाह आदमी है, उसकी आवाजी का तो एक ही इलाज है। अब हम उनकी शादी का दिन चाहिए। ये भी कोई शराफत है? खुदा के लिए आप आइए। अच्छा बेटे, आप ही हमारी सिफारिश कर दें। अम्मी, इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ मामूजान, ये बताइए लंदन है कैसी जगह? एक्सलेंट, ब्यूटीफुल बेटे। वहाँ जाकर तो जी जा रहा है, आदमी वहीं का हो रहा है। तो फिर आओ क्यों गए? किसी परकटी मेम से शादी भी रचा लेते? जी तो बहुत ही चाह रहा था, आप मगर कितनी पीजी था। आपकी तारीफ। गालिब की आया है। जी हाँ मामूजान, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच पूछो तो मसूद मियाँ, गालिब को सबा नहीं पाला? आपके इंतखाब की दाद देता हूँ आपा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आया भी वो रखी है कि जिस पे आया का गुमान ही न गुजरे। अरे साहब, मेरी चाय में चीनी बिल्कुल ही न डालिए। आपके हाथों से बनी हुई चाय वैसे ही मीठी होगी। मसूद, सबा बहुत संजीदा और शरीफ लड़की है। हाँ, मगर मैंने ऐसा क्या कह दिया? अच्छा, आप ज्यादा मस्करेपन की जरूरत नहीं, चाय पियो। शुक्रिया। क्या लिखा? मुझे अपने वतन से प्यार है। शाबाश। मैं अपने वतन की खातिर, मैं अपने वतन के खातिर हर चीज कुर्बान कर सकता हूँ, हर चीज कुर्बान कर सकता हूँ। आना, सुनिए, अगर आप कल किसी बात पर खफा हैं तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरे हाथ खाली नहीं है, वरना वो भी जोड़ लेता। कुछ बोलिए तो सही। चलिए यही कह दीजिए कि आपने मुझे माफ नहीं किया। मुझे मनाने के और तरीके भी आते हैं। ये देखिए मैं कितनी खूबसूरत साड़ी लाया। ये कैसे हो सकता है भाई, हम आपके लिए मोटर लाए हैं। लीजिए, कैसी है? ठीक है वैसे, मुझे जहाज पसंद। आपको तो साड़ी पसंद है ना, या कोई और तोहफा पेश करूं? मुझे ना आपके तोहमत ना कीजिएगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको जहाज की सैर कराऊंगा इंशाल्लाह। भूख लगी है तो खाना खा लो। जब अम्मी अब्बा आएंगे जब मैं खाना खाऊंगा। आदाब आदाब आदाब। ओहो गालिब मियां, क्या हाल है आपके? आप यहाँ बैठी हैं, बाहर इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है कि क्या बताऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी है आपने। आइए इसमें आपकी एक तस्वीर हो जाए, प्लीज आइए। शुक्रिया, मुझे तस्वीर खिंचवाने का कोई शौक नहीं। मेरी खातिर प्लीज आइए ना, यकीन कीजिए फिर कभी परेशान नहीं करूंगा आपको। आइए। अरे अरे अरे, यहाँ गालिब के साथ? अरे बाहर लान में आइए, वहाँ बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आएगी, आइए ना। आपको तस्वीर खींचना है या नहीं? अच्छा बाबा, मजबूरी है। स्टडी प्लीज, तर मुस्कुराइए ना। थैंक यू। ये तस्वीर मुझे कब मिलेगी? बहुत जल्द। सबा जी,
बेगम ज्यादा मशहूर के यहाँ दोपहर के खाने पर जा रहे हैं, जरा घर का ख्याल रखना। और हाँ, रालिब स्कूल से आता होगा, उसे खाना खिला देंगे, हम लोग दो तीन घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। शरीफ आदमी कमरे में दाखिल होने से पहले कम से कम इजाजत जरूर लिया करते। इस याद दहानी का शुक्रिया, मगर आप शायद भूल रही हैं कि ये घर आपका नहीं, मेरी बहन का। आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? आपको आपकी तस्वीर कैसी? अच्छी है, शुक्रिया। तुम्हारी शराफत और नेक चलने से मुतासिर होकर तुम्हारी सजा के 4 साल माफ कर दिए। ये रहे तुम्हारी रिहाई के कागजात। रिहाई ना मिलती तो अच्छा था। क्या मतलब? 10 साल बेटे की जुदाई में आंसू बहाती रही हो और अब कह रही हो कि 10 साल का अरसा कुछ कम तो नहीं होता। जेलर साहब, जिस दहलीज पर मैं अपने दिल का टुकड़ा छोड़ आई हूँ, खुदा जाने वो लोग अब कहाँ होंगे। ये तो है, जो पता तुमने मुझे दिया था वो लोग अब वहां से जा चुके हैं, मगर हौसला रखो, इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा तुम्हें जरूर मिल जाएगा। छोटी तसल्लियों से दिल तो बहल जाता है, मगर नसीबों का लिखा नहीं टलता। बहरहाल मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने हर कदम पर मेरी आस बंधाई। लेकिन तुम जाओगी कहां? जहां किस्मत ले जाए। बहन, एक दरख्वास्त है, अगर मुनासिब समझो तो तुम्हारे रहने के लिए एक भाई का घर हाजिर है। शायद चलो आंटी को आदाब करो। जीती रहो। सब बहन, यही है वो शरीर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी। अब आप इसकी शरारतों पर पहरा बिठाइए, इसके कान खींचे, ये बहुत शैतान हो गई है। अरे भाई, खड़े मुंह क्या देख रही हो? आंटी को अंदर लेकर चलो। आइए बहन। सच तो ये घर में अकेली बोर हो जाया करती थी,
अब जरा दिल बहला रहेगा, है ना आंटी? लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने अपनी शरारतों से सबा बहन को तंग किया और रिपोर्ट मुझ तक पहुंची तो... नहीं नहीं भाई साहब, नजमा तो बहुत प्यारी लड़की है, मुझे क्यों तंग करने लगी? तुम नहीं जानती बहन, इसकी शरारतों से तो शैतान भी पनाह मांगता है। डैडी, ये दीवार पर तस्वीर किसने बनाई? तस्वीर? मुझे तो इस दीवार पर कोई तस्वीर नजर नहीं आती। मुझे यही धोखा हुआ था, खाना खाए। बहुत ही शरीर हो देखा बहन आपने, यानी इसने सिक्के रखे हुए हैं लेकिन मेरी प्लेट से सिक्का जरूर उठाएगी। और ये तो इसकी शरारतों का महज एक नमूना है। एक दफा पता है आपको क्या हुआ? दीदी, आपका टेलीफोन आया। मेरा? जी। एक्सक्यूज मी, तुम जरा इसके कान खींचना बहन, आज से इस घर में तुम्हें पूरा पूरा इख्तियार है। बल्कि मुझे तो यूं लगता है जैसे मेरे शानों का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। ईमान से झूठ तो नहीं बोल रही? खा मेरे कसम, हाँ मुझे तुम्हारा इस बार नहीं याद है, तुमने जाते हुए कहा था हफ्ते में कम से कम 2 बार फोन किया करोगे। मौका ना मिलने की क्या बात है, हम यहाँ उठते बैठते सोते जागते जनाब के ख्वाब देखते रहते, आप कहते हैं मौका नहीं मिला। क्या कहा? जी नहीं, मुझे आपसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, आप आ जाइए, मेरे लिए यही काफी है। क्या कहा? देखो फजूल बातें ना करो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। क्या है, नहीं आओगी? क्या करोगे तुम? एक बार नहीं हजार बार कह सकती मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। आऊंगी। अच्छा खुदा। आंटी आप मेरी सहेली है ना, बड़ी बात सुनी है, माफी चाहती हूँ देर हो गई। आंटी मान से मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? तुम्हें झूठ बोलने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। आंटी छुपाना चाहती हूँ? छुपा लो, वैसे मैंने सब कुछ सुन लिया। आंटी आपने मेरी चोरी पकड़ ली है तो वादा कीजिए साथ देंगे, वैसे वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मगर वो है कौन जिसका टेलीफोन बम्बई जूतों के बिस्तर पर सुना जा रहा था? वो कल आ रहा है आंटी, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। आंटी वो देखिए गाड़ी। माशाल्लाह आज तो खालिद इनसे मिले, ये है मेरी आंटी, और आंटी इनका जिक्र तो मैं आपसे कर ही चुकी। आदा जीते रहो। यूं लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। हो सकता है। अरे आप तो रोने लगी। हाँ बेटी, तुम्हें देखकर कुछ याद आ गया था। हेलो हेलो गालिब, यार तुम्हारी तलाश में तो सारा स्टेशन ढूंढ रहा है, कहाँ रह गए थे तुम? हेलो आंटी, कहाँ जाने की तैयारी कर रही थी? आपको याद नहीं आज डिनर है? हाँ मैं तो भूल ही गई। अच्छा आंटी एक बात तो बताइए, आपको गालिब कैसा लगा? अच्छा है, मगर तुम उसे कब से जानती हो? सच कहूँ? जन्म चली आंटी, आप जरा डैडी से सिफारिश कर दीजिए ना। बहुत चाहती हूँ उसे, इतना कि बता नहीं सकती। अब वो यहाँ कब आएगा? पहले तो हर रोज आया करता था, मगर जब से पायलट ऑफिसर बना है जरा इतराने लगा। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। सुनो उसे कहना। कुछ नहीं, खुदा ना करे, मैं जानती तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। और तुम्हें? अच्छा ये बताओ कल क्या प्रोग्राम है? कल ओहो, कल तो भाई मैं बहुत मसरूफ हूँ, एक लड़की के साथ फिल्म देखने जा रहा है। अरे अरे नजमा जल गई,
वैसे कल फिल्म कौन सी देख रहे हैं? जो वो खूबसूरत लड़की कहेगी देख लेंगे। मुझे पता होता कि तुम फ्लाइंग ऑफिसर बनकर इतनी अकड़ दिखाओगे। छोड़ लेती, मगर मुझसे अच्छे तुम्हें मिलता कौन? तुम्हें तो मिल गई है ना। हाँ, खुश नसीब है, जेब में हर वक्त उसकी तस्वीर रहती है, जब तरह गर्दन झुकाए देख ली। तशरीफ आने का मकसद? तो मुतालबा करूंगा और ना कुछ खाने का। मैं तो सिर्फ ये मालूम करने के लिए आया हूँ कि वो हमारे अकलौते यार और तुम्हारे जाने बाहर मिस्टर गालिब कहाँ हैं। तुमने क्या मुझे शोबाई मालूमात का इंचार्ज समझ रखा है? कहीं खो गया तो अखबार में इश्तहार दीजिए, फरार हो गया तो पुलिस स्टेशन में पोस्ट लिखवा दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो यहाँ नहीं आया। ताज्जुब, मुझसे कहा था मैं यहाँ मिलूंगा। प्लीज नजमा बता दो, मुझे उससे बहुत जरूरी काम। मैं कह दिया वो यहाँ नहीं आया, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए। अजी मैं कहता हूँ वो यहाँ पर आया और तुमने उसे कहीं छुपा रखा है। खुदा करो वो यहाँ नहीं आया। प्लीज नजमा बता दो। देखो अनवर, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वैसे वाकई उसने मुझे बहुत जरूरी काम। जहन्नुम में जाए तुम्हारा काम। नजमा, तारिक ने कहा था कि ओ, क्या मुसीबत है, सारी कहानी का बेड़ा गर्क। देखो अनवर, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ यहाँ नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अगर अब तुम अपनी शरारतों से बात ना आए तो मैं तुम पर पानी फेंक दूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ। तुम? I'm sorry, अनवर तंग कर रहा था उसके धोखे में। कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ तूने पानी फेंका है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ओ, ओ, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, ठंड लग जाएगी। लाओ जल्दी से मुझे दो, इसमें गदे थे अभी सूख जाए। लीजिए, अजीब लड़की है। चलो वर्जिशी करना है। 1, 2, 3, 2, 3, 4. ये क्या कर रही है? वर्जिश। नजमा मेरे कपड़े उतार कर ले गई है, भीग गए थे, इसलिए से सुखाने गई है। आप आदाब। जीते रहो। लॉकेट तुम्हें किसने पहनाया था बेटे? बचपन में मेरी आया हुआ करती थी, उसने ये वादा लेकर पहनाया था कि कभी इसे अपने गले से जुदा न होने देना, तो मैं आज तक अपने वादे पर कायम हूँ। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? मेरा बेटा है, मेरा दिल तो उसे पहले ही देखकर धड़का था, मगर आज तो यकीन हो गया है कि वो मेरे ही दिल का टुकड़ा है। जानती हैं आप, वो फौज का बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अल्लाह ने हमारी आरज़ू पूरी कर दी है। काश आज आप जिंदा होते तो अपनी आंखों से देखते। इधर से गुजर रहा था, सोचा नजमा को विश करता चलूं। नजमा तो अपनी सहेली के घर गई है, थोड़ी देर तक आ जाएगी, तुम बैठो। शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा। कुछ देर तो बैठो बेटे, जानती हूँ तुम्हें नजमा बहुत अजीज है, मगर मेरा भी इस दुनिया में। आज मैं आपसे एक बात जरूर पूछूंगा आंटी, मुझे देखकर आपकी पलकें क्यों भीग जाती? क्या करूं, इन
आंखों को रोने की आदत सी पड़ गई है। खुदा के लिए आंसू पोंछ दीजिए या फिर मुझे बताइए आखिर आपको क्या दुख है। दुख? दुख की बात मत छेड़ो बेटे, बस ये समझ लो कि तुम्हें देखकर मुझे अपना बेटा याद आ जाता है। ये उस बेटे की याद ही तो है जो पलकों के अश्कों के दिए जला जाती है। आपका बेटा जिंदा है? हाँ, अब तो वो बहुत बड़ा अफसर बन गया है। डरती हूँ कहीं पहचानने से इनकार न कर दे। ऐसा कौन बेटा होगा जो अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दे? माँ तो बहुत मुकद्दस और काबिले फख्र हस्ती का नाम है। माँ की अच्छी तरबियत ही तो बेटों पर उनका जिम्मेदार शहरी बनाती है। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि वो आपको पहचानने से इनकार कर देगा? ये ख्याल मेरे जहन में इसलिए उभरा कि आज मैंने एक कहानी पढ़ी है। कहानी? हाँ, एक माँ थी, उसे अपने बेटे से बहुत प्यार था, लेकिन वक्त ने अचानक उसकी पेशानी पर रुसवाई का दाग लगा दिया। उसके हाथों एक कत्ल हो गया। कानून ने उसे सजा दी और वो अपने बेटे से बिछड़ गई। साल उसने जेल की सलाखों के पीछे तड़प तड़प कर गुजारे, लेकिन हालात उस सजा याफ्ता माँ को बेटे के सामने ले आए। मतलब बेटे ने उसे माँ कहने से इनकार कर दिया। तो बताओ क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? बेशक जिस माँ को अपने बेटे की इज्जत बेचता हूँ उसे माँ कहलवाने का कोई हक नहीं। ऐसी नीच और बदनाम औरत को मरी जाना चाहिए। बेटी, आपने गालिब की नहीं मेरी और मेरे डैडी की तौहीन की। आखिर आपकी क्या हक है? इन्हें कुछ ना कहो नजमा, गलती इनकी नहीं मेरी है। ये मेरे चेहरे में अपने बेटे की तस्वीर देख रही थी। ये थप्पड़ इन्होंने मुझे नहीं अपने बेटे को, मैंने आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई। माशाल्लाह माशाल्लाह भैया, आज तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। आदाब दादी। हां जीती रहो जीती रहो। भाई साहब मुझे आपसे कुछ कहना है। बैठो। ऐसी क्या बात है जिसके लिए यूं इजाजत ली जा रही है? नजमा माशाल्लाह बड़ी हो गई है और लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए अच्छा है। बहन बात यह है कि जब से तुम इस घर में आई हो मैंने इस किस्म की सारी उलझनों के बारे में सोचना छोड़ दिया। तुम जानो तुम्हारा काम। फिर भी आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। गालिब को तो आपने देखा होगा। हाँ हाँ, मैं उसे जानता हूँ। बात यह है भाई साहब, नजमा गालिब को बहुत पसंद करती है। गालिब अच्छा लड़का है, अगर आप मुनासिब समझें तो बात आगे बढ़ाइए। भाई तुम भी कमाल करती हो। इसमें पूछने की क्या बात है? अगर वो लोग है तो जाहिर है मुझे क्या एतराज हो सकता है। तुम कल ही उसकी माँ से मिलकर बात पक्की कर लो। माँ से मिलकर। मेरा नाम शहनाज है, मैं गालिब की माँ हूँ। तारुफ की जरूरत नहीं बेगम साहिबा, मैं आपको जानती हूँ और यकीनन मेरा चेहरा भी आपके लिए अजनबी नहीं होगा। अगर हमें पता चल जाता कि खाली घुसते बैठते जिस औरत की तारीफ किया करता वो तुम हो तो आप हर किसी यहाँ ना आते। बेगम साहिबा वक्त अगर सवाल बनाकर आपको मेरे सामने ले ही आया है तो इतना जान लीजिए हरचंद से वो जुर्म मैंने नहीं किया था, फिर भी मैं उसकी सजा पा चुकी। मगर वो सजा तुम्हें कानून ने दी, आप भी जो चाहे सजा दे रहे। अगर आज से आपके दिल में वो पुरानी नफरत मौजूद है तो एक बार फिर मैं सजा के लिए तैयार हूँ। मगर खुदा के लिए इस घर की चार दीवारी में मेरे जुर्म का जिक्र न दोहराइए, नहीं तो दो मासूम दिलों पर कयामत टूट पड़ेगी। इस घर की खुशियों पर मेरी बदनसीबी का साया नहीं पड़ना चाहिए। कम साहिबा कितनी नादान हो तुम्हें आज भी दूसरों की खुशियों का एहसास है, मगर अब मैं तुम्हें खुद पर जुल्म नहीं करने दूंगी। इसलिए तुम्हें जान चुकी हूँ खालिद मेरा नहीं, तुमने मुझे मरने से पहले ये रात बता दिया था। तुमने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए अपने दिल का टुकड़ा मेरी गोद में डाल दिया था। तुमने अपनी ममता का गला इसलिए घोट लिया था कि तुम मेरी ममता को तस्कीन दे सको। मैंने तुम्हारी अमानत अपनी जान से ज्यादा अजीज रखी और अब मैं तुम्हारे हवाले कर देना चाहती हूँ बेगम साहिबा। बेगम साहिबा नहीं, बहन को।
ये सिलते जाए। वादा कीजिए कि ये राज अभी राज रहेगा, कि गालिब मेरा बेटा है, मगर इसलिए कि मैं अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल की राह में दीवार बनना नहीं चाहती। मुझे गालिब की खुशी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। लेकिन तुम कब तक महरूमियों की साग में चलती रहोगी? कम है कि उन्होंने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरा सुहाग उजड़ गया तो क्या हुआ? उन्होंने वतन की लाखों औरतों की चूड़ियां तो टूटने से बचा ली। मैं तुम्हारी असमत को सलाम करता हूँ भाभी। इतने बहुत से दुख सहकर भी तुम्हारी आंखों में वही अजम है। दुख तो सिर्फ ये सोचकर सहती रही हूँ खालिद भाई कि तारिक का देखा हुआ ख्वाब पूरा हो जाए। जिंदगी इस आरज़ू की तकमील में गुजारी है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका बेटा भी वतन का जाबाज सिपाही बने। बेटा? हाँ, पायलट ऑफिसर गालिब मेरा बेटा है। मेरे शहीद शोहर तारिक की निशानी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वो है कहाँ? मैं उसे देखूं तो सही। आपकी ये आरज़ू पूरी हो जाएगी खालिद भाई। अभी तो मैं भी उसे बेटा कहकर नहीं पुकार सकती। हालात ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया था। अब उसे सामने पाकर यह हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे बता दूं कि मैं ही उसकी बदनसीब माँ हूं। आज अल्लाह ने उसे वो कुछ बना दिया है जो कभी तारिक ने चाहा था। काश काश आज वो जिंदा होते। सब्र करो भाभी, शोहर शहीद हो गया, सास अल्लाह को प्यारी होगी, लेकिन तुम्हारा भाई जिंदा है भाभी। खुदावंद ताला तुम्हें बेटे की तमाम खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। मेरी यही तमन्ना है कि खुदा उसे हर मैदान में फतह याब करे, वो तारिक से भी ज्यादा नाम पैदा करे। अब तो वही मेरी दुनिया है, वही मेरी जिंदगी। ये क्या है? मेरे प्यार की निशानी। इसे कभी अपने गले से जुदा न होने देना। और आपका बेटा कहाँ है? मेरे सामने। मुझे देखकर आपकी पलकें क्यों भीग जाती? बस यूं समझती हूँ कि तुम्हें देखकर मुझे अपना बेटा याद आ जाता है। वालिद, मैं तो समझी थी कि तुम सो रहे हो। चलो उठो नाश्ता करो। जी नहीं चाह रहा मैं। क्या बात है? यूं लगता है जैसे रात देर तक जागते रहे, कुछ काम कर रहे थे। जी नहीं। और ये सब क्या है? एक कोई भी चीज ढूंढ रहा था। फिर मिली? मिली भी और नहीं भी। क्या मतलब? आप इस तस्वीर को पहचानती हैं? हाँ हाँ, ये तुम्हारे बचपन की तस्वीर है और ये तुम्हारी आया है जिसने तुम्हें पाला है। तुम्हारे पे में पड़ा हुआ ये लॉकेट उसी की निशानी है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या ये सच है कि मांगे को जाले से घर में रोशनी तोड़ सकती है, दिल का अंधेरा दूर नहीं हो सकता? क्या ये सच है कागज के फूल घर की सजावट तो बन सकते हैं, घर को महका नहीं सकते? क्या ये सच है कि बेटे की जन्नत सिर्फ उस माँ के कदमों में होती है जिसने उसे जन्म दिया? तुम्हारे इन सवालों से मकसद क्या है? मैं इन बातों का कोई जवाब नहीं दे सकती। इसलिए कि आप डरती हैं कि कहीं ये सच्चाई मुझसे वो जज्बा ना छीन ले जो आज तक आपको माँ कहकर पुकारता रहा है। ये जान लेने के बाद भी कि आप मेरी माँ नहीं है, मेरे दिल में आपके लिए वही एहतराम है। सिर्फ खुदा के लिए इतना बता दीजिए कि राज आज तक मुझसे क्यों छुपाया गया? अगर तुम्हें सही हकीकत का इल्म हो ही चुका है तो ये सवाल मुझसे नहीं, उस बदनसीब औरत से पूछो। आज से 20 साल पहले मेरी ममता पर तरस खाकर
अपने दिल का टुकड़ा मेरी गोद में डाल दिया था, जो अपने ही बेटे को आया बनकर सिर्फ इसलिए पालती रही है कि एक मुंह बोले भाई से किए हुए वादे का भरम न रहे। गालिब तुम कब आए? आओ बैठो। सोच रहा हूँ वो कौन सा ऐसा जज्बा है जो एक माँ के पैरों में मजबूरी की ऐसी जंजीर डाल देता है जिसे बरसों के बिछड़े हुए बेटे की मोहब्बत भी नहीं पिघला सकती। क्या मतलब? मतलब मुझसे नहीं, इन आंखों से पूछिए जिनमें माँ के प्यार की एक तस्वीर चमक रही है, इन बाहों से पूछिए जो बरसों से एक माँ के आगोश के लिए तरस रही है। मतलब ही पूछना है तो इस लाकेट से पूछिए जो एक माँ ने आया बनकर मुझे पहनाया था। सोने की ये रंजीत देखकर हो सकता है वो मासूम बच्चा आपको याद आ जाए। गालिब नहीं, वो सवाल कहिए जिसे वक्त के शोर ने आज तक उठने नहीं दिया। जवाब दीजिए। तुम्हें तो बरसों बाद आज मालूम हुआ है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे देखो, मुझे हर लम्हे हर कदम पर मालूम था कि तुम मेरे बेटे हो, मगर मैं तुम्हें बेटा कहकर नहीं पुकार सकती। आज की आज आज तुम तक पहुँची है। मैं तो कब से उस आग में जल रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दिल पर चोट पड़ी तो तुम बेचैन होकर यहाँ चले आए, मगर मैं तो हर सितम सहकर भी खामोशी और बेबसी की तस्वीर बनी रही। इस तस्वीर से कुछ मत पूछो बेटे, कुछ मत पूछो। मुझे आपसे कोई शिकायत तो नहीं, मैं तो सिर्फ आपको माँ कहने के लिए बेचैन हूँ। यकीन कीजिए मैं अभी जन्नत से दूर नहीं रह सकता। गालिब बेटा कहकर पुकारो अम्मी और बढ़कर गले से लगा लो बेटे। गालिब नजमा आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दुनिया भर की दौलत मिल गई है। जानती हो ये मेरी अम्मी है। अम्मी अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा, हम एक नया मकान लेंगे, मैं आपके कदम में खुशियों के ढेर लगा दूंगा। अम्मी मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, 4 बजे जाऊंगा, आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। मैं सरहद पार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं वतन के लिए जान दे दूंगा। ये वक्त कब चुन लिया था, उसके आने की घड़ी जल्दी से आ क्यों नहीं जाती? आंटी ताजुब है, गालिब अब तक नहीं आया। आंटी आंटी गालिब अभी घर भी नहीं पहुंचा। घर नहीं पहुंचा?
घबराओ नहीं, आ जाएगा। ये तुमसे किया हुआ वादा नहीं, अपनी माँ से किया हुआ इकरार है। आंटी गालिब आ गया। नहीं आंटी, खुदा जाने क्या बात है, मैं उसके ऑफिस फोन करती हूँ। हम आपको उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते। समझ में नहीं आता आंटी, उसके साथ ही खुद उसके लिए परेशान है। को यही मंजूर था, इतना वाकई इतना शदीद है बहन के, समझ में नहीं आता क्यों कर तुम्हें तसल्ली दूं। हिम्मत से काम लो गालिब, सुबह का सितारा था जो टूट कर भी अपने पीछे रोशनी की एक ऐसी लकीर छोड़ गया जो इस वतन की पेशानी पर हमेशा जगमगाती रहेगी। उसने शहीद होकर तुम्हें जो मर्तबा बख्शा है बहन, हर एक को नसीब नहीं होता। आज से गुजरते हुए वक्त का हर लम्हा तुम्हारी अजमत को सलाम किया करेगा। ख्वातीन व हजरात, आज हम पायलट ऑफिसर गालिब शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। गालिब शहीद ने जो दास्तान खुद अपने लहू से तारीख के सफ़ों पर लिखी है, वो रहती दुनिया तक सितारों की तरह जगमगाती रहेगी। गालिब मेरे अजीज दोस्त तारिक शहीद का बेटा था, जिसने बाप की तरह वतन की इज्जत के लिए जान कुर्बान कर दी और शहादत का एहसास पाया। गालिब शहीद ने वतन के लिए जान देकर यह साबित कर दिया कि वतन की मोहब्बत का जज्बा हर जज्बे से अजीम है, और अगर ये जज्बा हर पाकिस्तानी के दिल में पैदा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें दबा नहीं सकती। आज वक्त हमसे ये मुतालबा कर रहा है कि वतन के सारे शहीदों से हम ये अहद करें, लहू तुम्हारा कभी रायगा न जाएगा, हर एक बूंद से उभरेगा एक नया सूरज जो मंजिलों का हमें रास्ता दिखाएगा। आइए अब हम मिलकर उस अजीम हस्ती का इस्तकबाल करें जिसकी तशऊर पैदा कर देती है और जो जो अपनी गोद उजड़ने का मातम करने के बजाय बड़े फख्र से कहती है कि मैं एक शहीद बेटे की मां हूं। गालिब शहीद की वालदा, जिनके बेटे को शुजात का आला तरीन एजाज किया जा रहा है। ये
काबिल फख्र है कि आज वतन के शहीदों में मेरे बेटे का भी नाम शामिल हो गया। खुदा इस वतन को सलामत रखे जिसे शहीदों के लहू ने एक नया रंग बख्शा। तस्वीरों तुम्हें वतन की हाँ